नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस चपूस चॉप्स वीडियो चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं काजू की कतली। वो कैसे बनाई जाती है वो देखेंगे। आपने बहुत दफ़ा ट्राई भी किया होगा, लेकिन ये तरीका अलग है। और अगर आप इसी तरह से आपकी कतली बनाएंगे तो हलवाई जैसे ही बनेगी। और हमारा जो मेक इट फ्रेश मेक इट अ मिशन, हमारा जो स्लोगन है वो बरकरार रहेगा। दिवाली है ना, तो काजू कतली बनती है। इसके लिए हम बहुत अच्छे काजू चूज करेंगे। पहले तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैंने ये अखे वाले काजू लिए हुए हैं। आप टुकड़े वाले भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का ज़रूर लीजिए। इससे आपकी कतली जो है बहुत अच्छी बनने वाली है। पहला तो ये है कि हमें काजू अच्छे होने चाहिए। इसके बाद में हम काजू को ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद में उसे छान लेंगे। छान लेने के बाद में जो पाउडर मिलेगा ना, वो बहुत ज़रूरी है। और जब भी ग्राइंडर में आप काजू को डालें, उसे क्या करें, चालू करें, थोड़ी देर के बाद बंद करें, चालू करें, थोड़ी देर के बाद बंद करें, और फिर छान लीजिए। और जितना छान सकते हैं उतना छानिए। और ये जो बचा हुआ है ना, वो आप छानने की कोशिश ना करें। इससे मॉइस्चर इतना सारा निकलेगा कि हमें जो पाउडर चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। और ये जो है बचा हुआ, आप खीर में डाल सकते हैं। आप अगर कोई कोफ्ते बनाते हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिर साइड में रख दीजिए। चलिए, तीनों चीज़ हमें ज़रूरी है। जैसे कि मैंने ये नाप लिया हुआ है, ये इस तरह का बाउल है जो पूरा भर के नहीं है। तो यही नाप से मैंने क्या किया है कि इसका आधा नाप जो है मैंने शुगर लिया हुआ है। अगर 100 ग्राम आपका पाउडर है काजू का, तो आप 50 ग्राम शुगर लेंगे, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ। और हमें, मैंने जितना लिया है उसमें मैंने 1/3 कप ये मिल्क पाउडर लिया हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले तो हम पैन लेंगे और उसमें शुगर डाल देंगे। शुगर डालने के बाद में हमें पानी डालना है। पानी का नाप मैं आपको बता दूं कि ये जो शुगर जो है ना, वो जितनी डूबे उतना ही हमें पानी डालना है। लेकिन मेरी शुगर है बड़ी वाली है, तो मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि ये घुलने में थोड़ी तकलीफ़ होगी। तो इसे डालने के बाद में हमें इसे एक चाशनी जैसा बनाना है। लेकिन चाशनी ऐसी नहीं कि एक तारी दो तारी, बस ये घुल जाए, इतना ही हमें चाहिए। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप कि चाशनी जो है वो घुल गई है। इसमें हम पाउडर डाल देंगे, काजू पाउडर, और मिल्क पाउडर जो है वो भी हमें डाल देना है। और यहाँ पे हमें एक ट्रिक और मैं बताना चाहती हूँ कि आप गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि पैन तो ऑलरेडी गर्म है ही, इसी में हमें इसे मिक्स करना है। तो आप स्पैचुला ले लीजिए और इसे इस तरह से दबाते हुए आप इसे मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद में हम गैस चालू करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने ये मिक्स कर दिया है, और अभी मैं हल्का सा गैस ऑन करूँगी और इसी में मैं ये मिक्स करती जा रही हूँ। तो एकदम सा हमें ये आप देख रहे हो कि आटा की तरह ये मिक्स हो रहा है ना, और पूरा जो साइड भी है वो उसने छोड़ दी है। बस यहाँ पे आप देख पा रहे होगी कि आपका जो काजू है उसने ऑयल नहीं छोड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काजू कतली जो है हमारी एकदम सी वो हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे घी आप ज़रूर डालिए, थोड़ा सा डालिए, लेकिन ज़रूर ये डालना है, इससे इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। और मिक्स कर दीजिए। और गैस तो मैंने बताया इसी तरह से मैंने ऑन किया हुआ है, लेकिन बहुत हल्का सा है। इसे मिक्स करते करते दबा के मिक्स करिए, जिससे ये एकदम से अच्छे से सभी चीज़ें मिलती जाए। और फिर हमें यहाँ पे
ये स्प्रेड करके रख देना है थोड़ी देर के लिए कि ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद में मैंने प्लास्टिक की शीट ली हुई है, उसके नीचे एक बटर पेपर लगाया हुआ है, तो इस तरह से आप निकाल दीजिए। और निकालते समय भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका शाइनिंग आ गया है। ठीक है, बस इसे यहाँ पे हमें एक स्क्वायर सा बना देना है। आप हाथ से बना सकते हैं या इस तरह से स्पैचुला से बना दीजिए। और फिर इसे हमें थोड़ी देर मैं ठंडा करने रखूँगी इसके बाद में। और जितनी पतली चाहिए जितनी मोटी चाहिए आप इस तरह से बना सकते हैं। और फिर हमें इसे काटना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेडी। और मैंने ये निकाल दिया है और ऊपर से भी मैं थोड़ा सा इवनली मैं सब ये पूरी जो पूरी हम बनाई है ना काजू की, वो पूरी एक सी हो जाए, इसका जो कतली हमारी बने ना तो वो एक ही सरीखी बने, इसके लिए मैंने ये बेलन से ऊपर से बटर पेपर लगा के बेल दिया है। और फिर अभी भी थोड़ा गर्म लग रहा है तो काटने के पहले इसे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चिपक जाएगा। तो बस ठंडा करने के बाद में थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए और स्क्वायर सा बनाइए, तो क्या है कि वेस्टेज कम होगा। वेस्टेज तो होता ही नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, उसे भी खा लेंगे। और काजू भी बहुत महंगा आता है ना, लेकिन घर का बनाया अगर आपने इस तरह से बना दिया ना तो आप ज़रूर ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपने बनाया ये देख के और आपकी कतली अच्छी बनी है तो ज़रूर कमेंट करिए, आगे चल के हम केसर की भी कतली बना सकते हैं, हम स्ट्रॉबेरी का एसेंस भी डाल के हम स्ट्रॉबेरी का कलर दे के बना सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो भाई पतली बनाने वाली हूँ, थोड़ी सी इतनी मोटी मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे मैं और ज़्यादा बेलन से बेल रही हूँ कि अच्छे से पतला सा हो जाए। फिर एक ये रूलर लेके मैं क्या कर रही हूँ, रूलर लेके फिर इसे कट करूँगी कि एक सा शेप हो जाए, है ना। तो आप भी कुछ इस प्रकार से कर लीजिए, अगर आपको आदत है बनाने की तो आप सीधा ही काट सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप रूलर का यूज़ करें। और फिर हमें इसके ऊपर सिल्वर फॉइल भी लगा देना है, तो सिल्वर फॉइल भी आप रेडी रखिए। और अगर सिल्वर फॉइल नहीं आप डालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभार सिल्वर फॉइल हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, सभी सिल्वर फॉइल हमें ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हलवाई से जो मिलती है ना, उसमें भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। तो चलिए, ये करने के बाद में मैं सिल्वर फॉइल लगा रही हूँ, और ऐसे ही आप भी सिल्वर फॉइल लगाइए तो सुंदर दिखेगा। और अगर आपने हलवाई से जो बॉक्स आता है ना उसके अंदर रख के आपने अपने फ्रेंड्स सर्कल में या आपके फैमिली में किसी को भी दे दिया तो वो लोग कभी भी नहीं इसको वो बोलेंगे ऐसे कि भाई ये बाहर से ही आया हुआ है काजू कतरी। तो अभी आपको तो काजू कतरी बनाना भी आ गया है, तो ज़रूर बनाइए। और मेरी ओर से आप सबको हैप्पी दिवाली। और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही बढ़िया पतली सी मैंने बनाई हुई है और एकदम से सॉफ्ट और मोम बनी हुई है। इसे और थोड़ा सा करीबन 5 से 7 दिन तक हम इसे बाहर रख सकते हैं, तो है ना बढ़िया। अगर आपने कभी, मैंने तो बहुत सारी बाहर से लाके फेंक दिया हुआ है कचरे में क्योंकि स्मेल आती है इसमें। इसमें कोई भी ऐसा नहीं चीज़ है जो आपकी हेल्थ को ख़राब करे। तो चलिए, बस ऐसे ही आप भी बनाइए और आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली को अच्छा
अच्छा खाना खिलाइए बना बना के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप मुझे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा कि आपको नई नई रेसिपीज मिलती रहेगी। और वंस अगेन हैप्पी दिवाली। और कोई भी त्यौहार में हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आप देख पा रहे हो कितना सॉफ्ट बना हुआ है ना, कड़क तो होने वाला ही नहीं है, इतना सॉफ्ट मॉइस्चर है इसमें और एकदम बस फर्स्ट क्लास। थैंक यू।